Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum students. The topic which we are going to study today is the constitutional development in Pakistan. Right? Before we start ki constitutional development kaise jo hai over the time jo hai constitution jo hai Pakistan ka create hua establish hua uske piche kya kya efforts thi usse pehle we should know ki what is constitution. Constitution kya hota hai, right? कॉन्स्टिट्यूशन को अगर हम लोग डिफाइन करें तो कॉन्स्टिट्यूशन जैसे कॉन्स्टिट्यूशन बेसिकली वो सेट ऑफ रूल्स या लॉज होते हैं जिसके अकॉर्डिंगली आप किसी भी कंट्री को जो है वो रन करते हैं. अगर हम लोग इसकी ऑपरेशनल डेफिनेशन के ऊपर जाएं तो कॉन्स्टिट्यूशन इज बेसिकली अ डॉक्यूमेंट विच सेट आउट द फ्रेमवर्क फॉर गवर्नेंस एंड एक्सरसाइज ऑफ द पावर बॉडी ऑफ रूल्स विच रेगुलेट्स द सिस्टम ऑफ द गवर्नमेंट विद इन द स्टेट. ऐसे रूल्स ऐसे लॉज जिसके अकॉर्डिंगली आप गवर्नमेंट को या स्टेट को चलाते हैं किसी भी पर्टिकुलर उसको हम कॉन्स्टिट्यूशन कहते हैं. फॉर एग्जांपल जैसे कि हम देखते हैं जब भी आप कोई इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस खरीदते हैं या कोई भी इलेक्ट्रॉनिक मशीनरी खरीदते हैं. लेट्स सपोज आपने एसी परचेज किया या टीवी परचेज किया तो उसके साथ हमेशा एक मैनुअल जो है वो ज़रूर साथ में होता है और उस मैनुअल में बेसिकली उस मशीन की इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस की पूरी डिस्क्रिप्शन होती है कि वो कैसे जो है वो फंक्शन करेगा. सेम इज द केस विद द गवर्नमेंट एंड द स्टेट कि आपने गवर्नमेंट को किन असूलों पे किन लॉज के अकॉर्डिंगली किन रूल्स के किन पॉलिसीज के अकॉर्डिंगली चलाना है हर स्फीयर ऑफ लाइफ में उसको उसको उसके पीछे जो एक मैनुअल है उसको हम कॉन्स्टिट्यूशन कहते हैं. राइट? तो कॉन्स्टिट्यूशन बेसिकली वो एक ऐसी लॉज की और रूल्स की और पॉलिसीज की बुक है जिसके अकॉर्डिंगली आप पूरे कंट्री को रन करते हैं और उसमें हर स्फीयर ऑफ लाइफ के से रिलेटेड लॉज होते हैं चाहे वो आपकी आपके क्या कहते हैं ह्यूमन राइट्स की बात आ जाती है जुडिशरी की बात आ जाती है पार्लियामेंट्री फॉर्म की बात आ जाती है इस्लामिक नॉर्म्स की बात आ जाती है कोई भी चीज़ हो हर स्फीयर ऑफ लाइफ के जो भी रूल्स जो भी लॉज हैं वो उस कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर जो है वो मौजूद होते हैं और वो और उन्हीं रूल्स के अकॉर्डिंगली आप गवर्नमेंट को जो है वो रन करते हैं. राइट? हाँ, जैसे कि अब अगर हम इसको थोड़ा सा प्रिसाइज या शॉर्ट फॉर्म में करें तो कॉन्स्टिट्यूशन इज द प्रिंसिपल स्ट्रक्चर्स एंड लॉज ऑफ अ गवर्नमेंट वो असूल वो स्ट्रक्चर वो लॉज जिसके अकॉर्डिंगली आप गवर्नमेंट को जो है वो चलाते हैं उसको क्या कहते हैं उसको हम कॉन्स्टिट्यूशन कहते हैं. फिर आता है सोर्सेज ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन कि जब भी आप किसी कंट्री का कॉन्स्टिट्यूशन डिवेलप करते हैं या क्रिएट करते हैं तो उसके पीछे क्या क्या मल्टीपल सोर्सेज जो है इन्वॉल्व होते हैं या क्या चीज़ें होती हैं जिनको आप ध्यान में रख के आप किसी भी मुल्क का कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो इस्टेब्लिश करते हैं. सबसे पहले कल्चर आप देखेंगे अगर हम लोग देखें तो हर मुल्क का कॉन्स्टिट्यूशन दूसरे मुल्क से डिफरेंट होता है. राइट? उसके पीछे क्या वजूहत है उसके पीछे ये मल्टीपल जो है रीजन है. फॉर एग्जाम्पल जैसे हम देखते हैं कि अगर हम फॉर एग्जाम्पल हम सब कॉन्टिनेंट की बात करें या अपने रीजन की बात करें बांग्लादेश हो गया इंडिया हो गया पाकिस्तान हो गया अब ये तीन डिफरेंट कंट्रीज हैं बट ये तीनों के तीनों कंट्रीज एक सिमिलर जो है ये तीनों के तीनों कंट्रीज जो हैं वो एक सिमिलर रीजन के अंदर जो है वो एग्जिस्ट करते हैं लेकिन अगेन इन तीनों कंट्रीज का जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो एक दूसरे से क्या है वो डिफरेंट है. अच्छा इसके पीछे क्या रीजंस हैं इसके पीछे रीजंस हैं जैसे कि हम कल्चर देखते हैं तीनों कंट्रीज का फॉर एग्जांपल तीनों कंट्रीज का जो कल्चर है वो एक दूसरे से क्या है वो डिफरेंस है. अच्छा एक चीज़ वो ध्यान में रखें कि इसमें आपके पास जो है जी एक चीज़ जो है जैसे कि आप देखते हैं कि इन तमाम अगर हम तीनों रीजन्स की बात करें तो इन तीनों रीजन्स में काफ़ी सारी सिमिलैरिटीज भी होंगी कल्चरल सिमिलैरिटीज भी होंगी सोसाइटल सिमिलैरिटीज भी होंगी हिस्ट्री भी ऑलमोस्ट में कुछ थोड़ी बहुत चीज़ें सिमिलर होंगी रिलीजन रिलीजियस पॉइंट ऑफ व्यू से भी देखें तो माइट भी जो है वो मतलब आप देखेंगे कि तीनों में फॉर एग्जांपल बांग्लादेश में इंडिया में पाकिस्तान में जो है मुसलमान जो है वो मुसलमान जो है वो पाए जाते हैं लेकिन अगेन इसके इन सब चीज़ों के बावजूद भी हम देखते हैं कि इन सब का जो सोशल सेटअप है तीनों कंट्रीज़ का वो एक दूसरे से क्या है वो डिफरेंट है. ठीक है? अगर हम देखें कि फॉर एग्जांपल अगर पाकिस्तान के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें तो पाकिस्तान का कल्चर जो है वो स्लाइटली डिफरेंट है फ्रॉम द इंडियन एंड द बांग्लादेशी कल्चर. सोसाइटी हमारे जो सोसाइटी पैटर्न्स है वो एक दूसरे से डिफरेंट है सिविलाइजेशन हमारे एक दूसरे से डिफरेंट है हिस्ट्री माइट भी हमारी कहीं ना कहीं एक दूसरे से लिंकअप करते हुए लेकिन फिर भी हमारी जो हिस्ट्री की जो स्ट्रगल है पाकिस्तान मूवमेंट के लिए इंडिया के लिए बांग्लादेश के वो क्या है तो भी डिफरेंट है. रिलीजन भी हम देखते हैं स्लाइटली जो है तीनों रीजन्स में डिफरेंट है ट्रेडिशंस भी हमारे जो है थोड़े बहुत एक दूसरे से डिफरेंट है पोलिटिकल सिस्टम जो है हमारा अगर हम देखें एक दूसरे से डिफरेंट है तो हम देखते हैं कि जब भी किसी कंट्री का
कॉन्स्टिट्यूशन स्टैब्लिश कर रहे होते हैं, तो हम इन तमाम चीज़ों को अपने ध्यान में रख के उस जिस भी सोसाइटी का हमने कॉन्स्टिट्यूशन डेवलप करना है उस सोसाइटी के इन तमाम एलिमेंट्स को हम लोग ध्यान में रखते हैं, और उसके बाद हम जो है वो कॉन्स्टिट्यूशन डेवलप करते हैं ताकि उस कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर किसी भी इस एक सोर्स से जो है कोई भी एक सोर्स जो है वो मतलब ये तीन सारे के सारे सोर्सेस उस कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर जो है वो प्रेजेंट हो उस पर्टिकुलर सोसाइटी के, राइट। फॉर एग्जांपल अगर आपको मैं एग्जांपल दूँ तो हम देखें तो हम जैसे कि हमने आगे जाके हम देखेंगे कि हमने रिलीजन को अपने कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर बहुत ही एक इम्पॉर्टेंट जो है वो स्टेटस दिया हुआ है, और उसके लिए हमने काउंसिल सेटअप की हुई है जिस जो है जो रिलीजियस मैटर्स को और हर कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ को देखती है कि वो अकॉर्डिंग टू द टीचिंग्स ऑफ कुरान और सुन्नत है। तो ये बेसिकली ये तमाम सोर्सेज हैं जिनको हम लोग ध्यान में रख के कोई भी कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो डेवलप करते हैं। फिर अगर हम आगे थोड़ा सा देखें कि जो इस्लामिक पॉइंट ऑफ व्यू से देखें कॉन्स्टिट्यूशन का, तो ये हिस्ट्री में अगर हम देखें तो सबसे पहला जो इस्लामिक कॉन्स्टिट्यूशन है वो हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने डेवलप किया था व्हेन ही माइग्रेटेड फ्रॉम मक्का टू मदीना, और वहाँ पे उन्होंने पहली जो है एक इस्लामिक कॉन्स्टिट्यूशन की जो है वो बेस रखी थी। और उसमें आप देखेंगे कि उस कॉन्स्टिट्यूशन में हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ना सिर्फ मुसलमानों को जो है वो लूप में लिया था बल्कि नॉन मुस्लिम जूस, क्योंकि मदीना की जो सोसाइटी थी उसमें तमाम लोग थे, मुस्लिम्स भी थे, नॉन मुस्लिम्स भी थे, जूस भी थे, तमाम लोग थे। तो उन्होंने उन तमाम लोगों के हर एस्पेक्ट को देख के उस कॉन्स्टिट्यूशन की जो थी फाउंडेशन जो है वो रखी, राइट। उसके बाद में हम अगर बैकग्राउंड के ऊपर आए पाकिस्तान में जो है कॉन्स्टिट्यूशन मेकिंग अगर हम देखें तो ये पाकिस्तान में जो है कॉन्स्टिट्यूशन एक कॉम्प्रिहेंसिव कॉन्स्टिट्यूशन की फ्रेमिंग जो थी बहुत ही एक डिफिकल्ट और टफ टास्क था, क्योंकि पाकिस्तान वॉज अ न्यूली बॉर्न स्टेट और एक कॉम्प्रिहेंसिव कॉन्स्टिट्यूशन को डेवलप करना क्रिएट करना एक बहुत ही डिफिकल्ट टास्क था। लेकिन हम देखते हैं इस टास्क को जो है इनिशियली फर्स्ट ऑफ ऑल जैसे मैंने आपको पहले भी बताया था कि पहला जो डॉक्यूमेंट था पहला जो डॉक्यूमेंट था जो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान जिसने सर्व किया दैट वाज द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935। तो व्हेन पाकिस्तान वाज एस्टैब्लिश्ड तो उस वक्त एकदम से जो है कॉन्स्टिट्यूशन डेवलप करना इट वॉज नॉट एन ईजी टास्क। इसीलिए उसको क्या किया गया जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट था उसको कुछ अमेंडमेंट्स के साथ कुछ मॉडिफिकेशंस के साथ जो है एक टेम्परेरी कॉन्स्टिट्यूशन का स्टेटस दिया पाकिस्तान में, और उसको जो है पाकिस्तान का जो है कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो बनाया गया। लेकिन उसके साथ साथ हम देखते हैं कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट के बाद भी हम देखते हैं कि कायदे आजम ने जो है कॉन्स्टिट्यूशन मेकिंग को जो है बहुत ही सीरियसली लिया और उसके ऊपर एक बहुत ही क्या कहते हैं उसको एक इम्पॉर्टेंट प्रॉब्लम समझते हुए उसके ऊपर जो है वो काम किया। और आपको पता है क्योंकि जो कायदे आजम थे उनका जो एक स्ट्रॉन्ग लीगल बैकग्राउंड था, उनको पता था कि कॉन्स्टिट्यूशन मेकिंग में क्या क्या लीगैलिटीज इन्वॉल्व होती हैं, तो उन्होंने जो है इसमें काफ़ी एफर्ट की। लेकिन साइड बाय साइड हम देखते हैं कॉन्स्टिट्यूशन मेकिंग के साथ जैसे हमने इनिशियल डिफिकल्टीज में भी किया था कि साइड बाय साइड और भी बहुत सारे मेजर प्रॉब्लम्स थे, जैसे इकोनॉमी का प्रॉब्लम था, एसेट्स का प्रॉब्लम था, रिफ्यूजीज का प्रॉब्लम था, तो वो भी इतने सारे प्रॉब्लम साइड बाय साइड चल रहे थे कि मतलब कि कॉन्स्टिट्यूशन को इतना क्या कहते हैं वो टाइम या अटेंशन देने के बावजूद भी जो हम देखते हैं कॉन्स्टिट्यूशन मेकिंग का प्रोसेस जो है वो डिले का शिकार होता है। फिर नेक्स्ट जो है दैट इज बैकग्राउंड, नेक्स्ट जो है दैट इज हिस्ट्री ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन मेकिंग इन पाकिस्तान। के पाकिस्तान में ये तो अभी हमने बैकग्राउंड किया कि कॉन्स्टिट्यूशन मेकिंग स्टार्टिंग में जब पाकिस्तान एस्टैब्लिश हुआ था तो उसको क्या क्या कॉन्स्टिट्यूशन मतलब कि कॉन्स्टिट्यूशन क्या होता है और हमने उस वक्त स्टार्टिंग में किस कॉन्स्टिट्यूशन को अडॉप्ट किया। लेकिन अब आता है कि कॉन्स्टिट्यूशन डेवलप ओवर द टाइम जो है ओवर द पीरियड ऑफ द टाइम पाकिस्तान में कॉन्स्टिट्यूशन को कैसे डेवलप किया गया। सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि जो कायदे मोहम्मद अली जना हैं उन्होंने सबसे पहला जैसे मैंने आपको बताया कि स्टेप लिया, उन्होंने सबसे पहले क्या किया, एक तो हम लोगों ने ये किया कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट को जो है वो इंटरिम एक टेम्परेरी कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो एज अ टेम्परेरी कॉन्स्टिट्यूशन अडॉप्ट किया पाकिस्तान का। लेकिन उसके बाद साइड बाई साइड हम देखें कि कायदे मोहम्मद अली जना ने आफ्टर द क्या कहते हैं क्रिएशन ऑफ पाकिस्तान एक कॉन्स्टिट्यूट असेंबली जो है वो बिल्ट अप की, राइट। और उस कॉन्स्टिट्यूट असेंबली का बेसिकली टास्क क्या था कि जो स्ट्रक्चर है कि क्या स्ट्रक्चर होगा, क्या गाइडलाइंस होंगी, क्या एम्स एंड ऑब्जेक्टिव्स होंगे, क्या बेसिस होंगी
जो पाकिस्तान की कॉन्स्टिट्यूशन जो कॉन्स्टिट्यूशन मेकिंग में एक रोल प्ले करेंगी, ये उनका टास्क था कि वो तमाम बेसिस, वो तमाम गाइडलाइंस को क्या करेंगे, वो डेवलप करें। इस कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में जो है, जो आपने जैसे हमने पिछले मेकिंग में पाकिस्तान में देखा था कि 45 के इलेक्शन में मेजोरिटी सारी सीट्स ऑलमोस्ट मुसलमानों की, जो मुस्लिम लीग ने विन की थी, तो इस कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के जो मेंबर्स थे, इसमें तो 69 मेंबर्स जो थे वो उस इलेक्शन के जो विनर्स थे वो थे। फिर 10 मेंबर्स जो थे वो प्रिंसली स्टेट से थे, लेकिन इतनी हम देखते हैं कि ऑलमोस्ट 80 प्लस मेंबर्स होने के बावजूद भी जो एक कॉन्स्टिट्यूशन मेकिंग का जो प्रोसेस था वो एक डिले का शिकार रहा, क्योंकि इसमें रीजन थी। एक तो ये था कि जो तमाम मेंबर्स इन्वॉल्व थे इसमें जो थी उनका एक कॉम्पिटेंस का एलिमेंट था, कमिटमेंट का एलिमेंट था, पोलिटिकल एक्सपीरियंस जो है इन सब मेंबर्स में कहीं ना, सब में नहीं लेकिन कुछ मेंबर्स में कहीं ना कहीं जो है वो लैक करता था, और लैक करता था, जिसकी वजह से हम देखते हैं कि ये जो प्रोसेस है वो कहीं ना कहीं डिले का शिकार रहा। उसके बाद जो सबसे बड़ा सेटबैक आया वो तब आया जब मोहम्मद अली जिन्ना की डेथ हुई 1948 में, तो ये जो कॉन्स्टिट्यूशन मेकिंग का जो डेवलपमेंट का प्रोसेस था ये और डिले का जो है वो शिकार हो गया। देन उसके बाद ये तो एक एक, एक जो कायदे से मोहम्मद अली जिन्ना की एफर्ट्स थी। उसके बाद हम देखते हैं ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन। अच्छा, ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन अगर हम देखें तो ये पहला बिग स्टेप था इन फ्रेमिंग द कॉन्स्टिट्यूशन फॉर पाकिस्तान, और ये बेसिकली जो है जो कॉन्स्टिट्यूट असेंबली डेवलप की थी मोहम्मद अली जना ने, उसने जो है ये रेजोल्यूशन प्रेजेंट किया था इन मार्च 1949। और इस रेजोल्यूशन में वो जो भी इस रेजोल्यूशन में जो है एम्स एंड ऑब्जेक्टिव को डिफाइन किया गया था कि जो पाकिस्तान में जो कॉन्स्टिट्यूशन बनेगा उसके क्या एम्स होंगे, उसके क्या ऑब्जेक्टिव होंगे, राइट, कि किन बेसिस के ऊपर जो है पाकिस्तान के कॉन्स्टिट्यूशन को जो है वो डेवलप किया जाएगा। और ये ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन जो था एक बहुत ही बड़ा जो एक स्टेप था, और इसने जो है एक बुनियाद रखी थी फॉर द फ्यूचर कॉन्स्टिट्यूशन मेकिंग इन पाकिस्तान, राइट। और इस कॉन्स्टिट्यूशन को बेसिकली जो मूव किया था, जो इस ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन को जो प्रेजेंट किया था, वो हमारे जो पहले प्राइम मिनिस्टर थे लियाकत अली खान, उन्होंने प्रेजेंट किया। उसके बाद मेन फीचर्स क्या थे इस ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन की, कि क्या एम्स एंड ऑब्जेक्टिव्स होंगे। सबसे पहले जैसे आपको पता है पाकिस्तान वॉज क्रिएटेड इन द नेम ऑफ द रिलीजन, तो सॉवरेनिटी ऑफ अल्लाह ताला सबसे पहले, कि कोई भी लॉ कोई भी पॉलिसी इस चीज़ को ध्यान में रखती हुई जाएगी कि इस चीज़ पर हम सबका फर्म बिलीफ हो कि अल्लाह ताला की सॉवरेनिटी, कि अल्लाह इज द क्रिएटर, मतलब अल्लाह ताला हर चीज़ पे जो है वो कादर है, राइट। उसके बाद देन डेमोक्रेसी, कि डेमोक्रेटिक फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट को जो है वो जो है जिसमें आपकी डेमोक्रेसी क्या होती है, जिसमें आपके जो रिप्रेजेंटेटिव होते हैं गवर्नमेंट के, वो क्या होते हैं, वो इलेक्टेड होते हैं, जो कॉमन पीपल है वो उनको इलेक्ट करते हैं, राइट। देन जो भी फेडरल रिपब्लिक होगी वो इस्लामी असूलों के मुताबिक होगी। उसके बाद जो मुसलमानों का जो वे ऑफ लाइफ होगा या टीचिंग होगा, दैट वुड बी अकॉर्डिंग टू द कुरान एंड सुन्नत। अच्छा, देन उसके बाद आता है बेसिक प्रिंसिपल कमेटी। बेसिकली बेसिक प्रिंसिपल कमेटी क्या था कि कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में हम देखते हैं कि बहुत सारी मल्टीपल्स छोटी छोटी कमेटीज जो है वो फॉर्म की थी, वो तमाम उन तमाम छोटी छोटी मल्टीपल कमेटीज का जो काम था वो क्या था कि कॉन्स्टिट्यूशन मेकिंग के डिफरेंट जो एस्पेक्ट्स हैं उनके ऊपर वो वर्किंग करे और एक जो है वो ड्राफ्ट तैयार करे, राइट। फिर इस कमेटी ने जो है एक टेम्परेरी सी जो रिपोर्ट है वो 1915 में प्रेजेंट की, और इसमें जो है बेसिकली वो गाइडलाइंस और प्रिंसिपल्स को जो है वो हाईलाइट किया गया जिसमें जो पाकिस्तान में जो है कॉन्स्टिट्यूशन मेकिंग में हेल्प आउट करेंगे। फिर लेकिन जब इस कमेटी का जो एक टेम्प्रेरी ड्राफ्ट आया, रिपोर्ट आया, उसको देखते हम लोग को इस ड्राफ्ट को, इस रिपोर्ट को बहुत सारे रिलीजियस स्कॉलर्स ने जो है क्रिटिसाइज किया, कि जैसे कि मैंने आपको बताया कि पाकिस्तान में दो, जब पाकिस्तान क्रिएट हुआ तो उसके दो विंग्स थे, ईस्ट पाकिस्तान एक वेस्ट पाकिस्तान, इन दोनों की तरफ से भी जो है बहुत सारा क्रिटिसिज्म आया। फिर ये हुआ कि इस क्रिटिसिज्म के आने के बाद जिस क्रिटिसिज्म ने जो रिकमेंडेशंस प्रोवाइड की कि इसमें क्या क्या चेंजेस इस ड्राफ्ट में, इस रिपोर्ट में लाई जा सकती हैं, उसके ऊपर वर्किंग की गई। और ये सारा मतलब 1950s में ये ड्राफ्ट जो है वो प्रेजेंट हुआ, ये रिपोर्ट प्रेजेंट हुआ, और साइड बाई साइड हम देखते साल दो साल तक इस पर डिस्कशन, आर्ग्यूमेंट, क्रिटिसिज्म जो है वो आता गया, और जो भी रिकमेंडेशन मिलती गई उनके ऊपर वर्किंग होती गई। लेकिन साथ ही साथ हम देखते हैं कि प्राइम मिनिस्टर की असैसिनेशन होगी 1952 में, और इसकी वजह से एक बहुत बड़ा पॉलिटिकल क्राइसिस जो है वो डेवलप हुए जब व्हेन लियाकत अली खान वाज असैसिनेटेड 1952। अ बिग पॉलिटिकल जो एक कहते हैं बहुत बड़ी पॉलिटिकल क्राइसिस का जो दौर है वो डेवलप हो गया, वो स्टार्ट हो गया। तो यहाँ पे भी हम देखते हैं जो है कॉन्स्टिट्यूशन का प्रोसेस जो है फिर और थोड़ा डिले का यश जो है उसका डिले का थोड़ा शिकार हो गया। देन नेक्स्ट इज फिर अगेन एक और जो डेवलपमेंट हुई कॉन्स्टिट्यूशन मेकिंग में, दैट वॉज द पैरिटी प्रपोजल।
अच्छा, पैरिटी प्रपोजल बेसिकली क्या था? एक इक्वालिटी का प्रपोजल था, जैसे मैंने आपको पहले बताया कि पीछे जो ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन ने जो भी एक रिपोर्ट पेश की थी उसमें हम देख रहे थे कि ईस्ट और वेस्ट पाकिस्तान से काफ़ी सारा क्रिटिसिज्म आया था, रिलीजियस स्कॉलर्स की तरफ से क्रिटिसिज्म आया था। तो उस क्रिटिसिज्म को थोड़ा ओवरकम करने के लिए 1953 में जो है इसी कमेटी ने, जो है कॉन्स्टिट्यूंट कमेटी ने, जो एक और ड्राफ्ट प्रेजेंट किया, और इसको जो है इस ड्राफ्ट में जो एक फॉर्मूला प्रेजेंट किया गया, दैट वाज अ पैरिटी प्रपोजल। पैरिटी प्रपोजल बेसिकली क्या था? इक्वालिटी, कि ईस्ट और वेस्ट पाकिस्तान में दोनों में जो है जो भी कॉन्स्टिट्यूशन बनेगा उसमें ईस्ट और वेस्ट पाकिस्तान में इक्वालिटी के मतलब इक्वालिटी को जो है वो ध्यान में रखा जाएगा, राइट। लेकिन अगेन हम देखते हैं कि इसको हम मोहम्मद अली फॉर्मूला भी कहते हैं। मोहम्मद अली बोगरा बेसिकली उस वक्त के जो थे प्राइम मिनिस्टर थे, और उनको उन्होंने भी ये जो थी ये सजेशन दी थी, इसलिए इसको मोहम्मद अली बोगरा जो है मोहम्मद अली फॉर्मूला भी कहा जाता है। लेकिन अगेन हम देखते हैं इस पैरिटी प्रपोजल को भी जो है वो फ्रॉम बोथ द विंग्स, ईस्ट एंड वेस्ट पाकिस्तान से जो है उसको रिजेक्ट कर दिया गया, राइट। और रिजेक्ट करने के बाद हम देखते हैं तो फिर इसको जो है कॉन्स्टिट्यूएंट, जो फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली थी जो है द क्रिएशन ऑफ पाकिस्तान डेवलप की गई थी, स्टैब्लिश की गई थी, उसको डिसॉल्व कर दिया गया। और डिसॉल्व जो है उस वक्त के जो गवर्नर जनरल थे गुलाम मोहम्मद, उन्होंने इसको डिसॉल्व किया था। और डिसॉल्व करने के बाद उन्होंने ये उसके बाद डिसॉल्व करने के बाद ये 1955 में इलेक्शंस कंडक्ट हुए। जब इलेक्शंस कंडक्ट हुए तो उसके बाद फिर एक और जो है सेकंड कॉन्स्टिट्यूट असेंबली जो है वो स्टैब्लिश की गई 55 में, और उसका भी जो था सिमिलर टास्क था कि आप कॉन्स्टिट्यूशन मेकिंग में जो है फॉर पाकिस्तान जो है उसके ऊपर वर्किंग करें। फिर वो जो सेकंड कॉन्स्टिट्यूट असेंबली थी, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली, उसने जो है एक ड्राफ्ट प्रेजेंट किया 1956 में, और उस ड्राफ्ट को जो है हम देखते हैं कि फाइनली जो है उस ड्राफ्ट को जो है वो अप्रूव किया गया बाय बोथ द विंग्स, बाय ऑल द रिलीजियस स्कॉलर्स, और उसको जो है वो फिर जो है वो एज पाकिस्तान का जो पहला कॉन्स्टिट्यूशन 1956 में जो है उसको जो है वो डिवेलप किया गया। वो ये जो ड्राफ्ट था दैट इमर्ज एज अ फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशन फॉर पाकिस्तान इन 1956, राइट। अच्छा, उसके बाद जो नेक्स्ट है दैट इज हम देखेंगे कि उस कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर क्या उसकी कुछ, वैसे तो बहुत वो हमें उसके डिटेल में नहीं जाना, हम ज्यादा फोकस 1973 के कॉन्स्टिट्यूशन के प्रोविजंस पे करेंगे, लेकिन उसकी जो कुछ इस्लामिक प्रोविजंस थी उस 1956 कॉन्स्टिट्यूशन की, वो ये थी कि जैसे कि जो नाम था कंट्री का वो इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ पाकिस्तान रखा गया, फिर सॉवरेनिटी ऑफ अल्लाह ताला, जिसमें मैंने आपको बताया कि पाकिस्तान वाज क्रिएटेड इन द नेम ऑफ द इस्लाम, तो उसमें इस चीज़ को तो ध्यान में रखना ही था लाजमी। तो कोई और जो भी हेड ऑफ द स्टेट होगा वो क्या होगा, वो मुस्लिम होगा। प्रेसिडेंशियल फॉर्म था इसका, जो प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ द गवर्नमेंट था, और इस्लामिक एडवाइजरी काउंसिल शेल बी सेट अप, क्योंकि अगेन इस्लाम के नाम पे बना है तो हमने जो रिलीजन है उसको मेन फोकस पे रखना है। और इस्लाम के कोई भी कोई ऐसा लॉ, कोई ऐसा कानून, पॉलिसी नहीं बनेगी जो कि इस्लामी उसूलों के खिलाफ हो, राइट। उसके बाद फिर हम आगे देखते हैं कॉन्स्टिट्यूशन की कुछ और प्रोविजंस है। गवर्नर जनरल को 56 का जो कॉन्स्टिट्यूशन था उसमें गवर्नर जनरल को रिप्लेस कर दिया गया था फ्रॉम प्रेसिडेंट, यानी प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट आ गया था। यूनिकैमरल लेजिस्लेशन थी कि लॉ मेकिंग जो बॉडी थी हमारे पास सिर्फ एक थी, दैट वाज द नेशनल असेंबली, और नेशनल असेंबली की जो सीट्स थी दे वर 300 सीट्स, राइट। अच्छा, अब उसके बाद हम देखते हैं क्या रीजन थी जो वजह बनी ऑफ डिले ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन मेकिंग इन पाकिस्तान। 1956 का कॉन्स्टिट्यूशन आने में 9 साल जो है वो क्यों लगे, हम देखते हैं 9 years का इतना लंबा अरसा क्यों लगा फॉर डेवलपिंग या एस्टेब्लिशिंग द फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान। सबसे पहले जो मेन रीजन थी, सबसे पहले दैट वॉज द टू विंग्स ऑफ पाकिस्तान, जैसे कि मैंने आपको अभी आगे हम पढ़ेंगे रीजन क्या थी कि बांग्लादेश गॉट सेपरेटेड फ्रॉम पाकिस्तान, तो वो भी हम रीजन पढ़ेंगे। लेकिन जो सबसे मेन दो जो रीजन थी दैट वॉज के ईस्ट और वेस्ट पाकिस्तान, ये पाकिस्तान जब क्रिएट हुआ था तो दो विंग्स थे पाकिस्तान के, एक ईस्ट पाकिस्तान था और एक वेस्ट पाकिस्तान था। अब इन दोनों में हम देखते हैं कि एक जो विंग था वो टोटली बंगालीज थे। अच्छा, उन और हमने देखा कि जितनी भी स्ट्रगल मूवमेंट थी, जितने भी रेजोल्यूशंस पास हुए, जितने भी अमेंडमेंट्स हुई पाकिस्तान की जो मेकिंग की पोलिटिकल स्ट्रगल थी, उसमें ज्यादातर जो प्रोमिनेंट लीडर्स थे दे वर बंगाली, राइट। तो जब पाकिस्तान बना तो यहाँ पे क्लैश जो है दोनों कल्चर्स का एक क्लैश आया, दोनों साइड्स के जो पॉलिटिकल प्रोमिनेंट लीडर्स थे उनका क्लैश था, और कंसेंसस जो वो नहीं हो पा रहा था किसी भी एक एक जो है कॉन्स्टिट्यूशन के ड्राफ्ट के ऊपर। एक तो ये रीजन था। फिर इन एक्सपीरियंस पॉलिटिशियन, जैसे कि मैंने आपको देखा
बताया था कि बंगाली लीडर्स जो थे वो तो प्रोमिनेंट थे पॉलिटिक्स में, लेकिन हम यहाँ पे वेस्ट पाकिस्तान में देखते कि यहाँ पे जो लीडर्स थे पॉलिटिकल लीडर्स उनका वो पॉलिटिकल जो पॉलिटिकली वो जो थे वो इनएक्सपीरियंस थे। फिर क्लैश ऑफ इंटरेस्ट भी था, हर एक का जो इंटरेस्ट था वो इसमें नहीं था कि आप कॉन्स्टिट्यूशन को जो है वो डेवलप किया जाए। फिर इसके ऊपर भी डिबेट थी कि सब कुछ जो है इस्लामिक फ्रेमवर्क टोटली इस्लामिक कॉन्स्टिट्यूशन होगा या उसमें कुछ मतलब इसमें कुछ थोड़ी बहुत आप चेंजेस भी कर सकते हैं, वो क्या स्ट्रक्चर होगा जो कि इस्लामिक फ्रेमवर्क होगा जिसके अकॉर्डिंगली जो कॉन्स्टिट्यूशन को डेवलप किया जाएगा, इसके ऊपर भी एक लॉन्ग जो है आर्ग्यूमेंट है। ये भी एक वजह बना फॉर द डिले ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन मेकिंग इन पाकिस्तान। फिर फेडरल सिस्टम होगा नहीं होगा, किस तरह का मतलब सेंटर मतलब फेडरल सिस्टम रखना है या नहीं रखना, ये सिर्फ प्रोविंशियल ऑटोनॉमी रखनी, इसके ऊपर भी जो थी वो आर्ग्यूमेंट थी। फिर लैंग्वेज के ऊपर भी था, जैसे कि मैंने आपको बताया 54% जो पॉपुलेशन थी वो बंगाली थी, तो बंगाली वांटेड बांग्लादेश टू बी द नेशनल लैंग्वेज, वो भी एक जो है एक क्लैश का एक आर्ग्यूमेंट का जो है वो रीजन बना। देन एडमिनिस्ट्रेटिव प्रॉब्लम्स थे, जैसे कि हमने अपनी इनिशियल डिफिकल्टीज में किया, रिफ्यूजीज का एक मेजर इशू था उसको भी टैकल करना था, इसलिए हमारी जो ज़्यादा जो फोकस था वो इसके ऊपर था इंस्टेड ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन मेकिंग। पॉलिटिकल क्लैशेस थे, म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग दोनों विंग्स में, दोनों विंग्स के जो पॉलिटिशियंस थे उनके दरमियान लोगों के दरमियान जो थी वो म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग और टॉलरेंस कहीं ना कहीं पे लैक कर दी थी। तो ये बहुत सारे मल्टीपल रीजन थे जो वजह बने फॉर द डिले इन कॉन्स्टिट्यूशन मेकिंग प्रोसेस इन पाकिस्तान। लेकिन इवेंचुअली आफ्टर द 9 years ऑफ लॉन्ग स्ट्रगल वी सी कि पाकिस्तान का जो कॉन्स्टिट्यूशन जो फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशन वो डेवलप हुआ इन 1956, राइट। ये कोटेशन है कायदे आज़म की, जैसे कि मैंने शायद आपके साथ पहले भी शेयर की थी कि द फाउंडेशन ऑफ योर स्टेट हैव बीन लेड एंड इट इज नाउ फॉर यू टू बिल्ड एंड बिल्ड एज क्विकली एज यू कैन, राइट। तो ये कायदे आज़म ने जो अपनी लास्ट स्पीच की थी एड्रेस किया था नेशन से 14th August 1948 को, ये उसमें जो है उन्होंने किया था कि डिस्पाइट ऑफ ऑल डिफिकल्टीज वी नीड टू मूव ऑन, वी नीड टू डेवलप पाकिस्तान, वी नीड टू डेवलप पाकिस्तान एज क्विकली एज वी। थैंक यू फॉर टुडे। अब नेक्स्ट में जो है हम अपने नेक्स्ट अपने लेक्चर में नेक्स्ट टू कॉन्स्टिट्यूशन को स्टडी करें।